टेंडर्स महाराष्ट्र। हमने एक टेंडर डाउनलोड किया है। डाउनलोड करने के बाद हम आज के वीडियो में जो रार फाइल होती है उसे कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं वो देखेंगे। उसके बाद बीओक्यू को बनाएंगे और उसके बाद बीओक्यू को अपलोड करना देखेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप तीन चीजें देख लेते हैं। दो चीजों को हमने स्किप कर दिया है, एक टेंडर डाउनलोड करने को जो कि हमने ऑलरेडी करके रखा है, और दूसरा लॉगिन करने को जो कि हमने यहाँ पे लॉगिन पहले से ही कर लिया है। तो देख लेते हैं कि फाइल को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, बीओक्यू कैसे बनाते हैं और उसे कैसे अपलोड करते हैं। ये है मेरा फोल्डर जिसमें मैंने टेंडर को डाउनलोड किया है। इसको डबल क्लिक करता हूं मैं। ये मेरा फोल्डर है रार का। इसको मैं एक्सट्रैक्ट करना बताता हूँ। एक्सट्रैक्ट करने के कई तरीके हो सकते हैं, हम सिंपल तरीका देखेंगे। ये जो फोल्डर का नाम है उसी से हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। राइट क्लिक, और देखो ये फोल्डर का नाम है जो कि वे, इस पर एक सिंगल क्लिक करेंगे तो ये एक्सट्रैक्ट हो जाता है। अब मैं इस फोल्डर को डबल क्लिक करता हूँ। इसमें ये बीओक्यू है, इसे ओपन डबल क्लिक करके भी किया जा सकता है या फिर राइट क्लिक करके ओपन भी किया जा सकता है। तो पहला काम हमारा था एक्सट्रैक्ट करना, जो कि हमने कर लिया है। अब ये बीओक्यू के जो एक्सेल की फाइल है उसे मैंने ओपन किया है। इनेबल कंटेंट, यहाँ पे एक सिंगल क्लिक। उसके बाद देखिए यहाँ पर कॉन्ट्रेक्टर का नाम लिखना होता है, जो भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में है वही नाम लिखना बहुत जरूरी है। मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर कॉन्ट्रेक्टर का नाम टाइप कर दिया है। उसके बाद सिलेक्ट पे क्लिक करना है, ये ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है। इसमें दो ऑप्शन है, एक्सेस और लेस। तो मैं एक्सेस पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद यहाँ क्लिक करूंगा और 5 टाइप करके एंटर कर दूंगा। तो आप देखेंगे मैंने किस तरीके से इसे रेडी किया है। एक बार और दिखाते हैं। यहाँ पर नाम टाइप करना होता है, यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं, एक एक्सिस का और एक लेस का। यहाँ पे क्लिक करना है। देखो डबल क्लिक नहीं किया मैंने, बल्कि क्लिक किया, और यहाँ पर अगर मैं दो टाइप करके एंटर करूँ तो दो के हिसाब से ये अमाउंट हो जाती है, और अगर यहाँ क्लिक करूँ और 10 टाइप करूँ तो 10 के हिसाब से हो जाती है। तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, 5 टाइप करके एंटर करता हूँ। यहाँ क्लिक करना है और कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, सिर्फ कॉन्ट्रेक्टर को ये दो ही काम करने होते हैं, कॉन्ट्रेक्टर का नाम और परसेंटेज अबव या बिलो। उसके बाद देखिए मैं कीबोर्ड से कंट्रोल एस करता हूँ। उसके बाद कोई भी चेंजेस नहीं करना है, कंटिन्यू, और उसके बाद यहाँ से बंद कर देना है, डोंट सेव। मैं इसे डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ। अब देखिए जो इनेबल के ताल्लुक से बटन आया था वो नहीं आता है। आपको ये नाम चेंज कर चेक कर लेना होता है, ये परसेंटेज और कैलकुलेशन भी चेक कर लेना होता है, ये अमाउंट भी बरोबर है या नहीं ये देख लेना होता है। अगर आपको जरूरत पड़े चेंज करने की तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और टाइप करके एंटर करेंगे। अब आपने इसे चेंज किया है या यहाँ चेंज किया है या यहाँ चेंज किया है, जो भी चेंजेस हुए हैं तो अब उसे सेव करना बहुत जरूरी होता है। तो मैंने यहाँ एक सिंगल क्लिक किया, कंट्रोल एस किया, इस पर क्लिक किया और यहाँ क्लिक करने के बाद डोंट सेव। तो आपको ये बात ये अच्छी तरीके से याद रखना है कि अगर कुछ चेंजेस करते हैं तो सेव करना है, चेंजेस नहीं करते तो सेव नहीं करना है। और अपलोड करने से पहले एक बार फिर से चेक कर लेना होता है कि आपकी ये जो फाइल है ये बरोबर है या नहीं। तो मेरे केस में देखो बराबर है, चेक कर लिया मैंने। अब यहाँ क्लिक करके उसे डोंट सेव कर देता हूँ। दो तीन चीजें यहाँ याद रखने की जरूरी है कि ये फाइल का जो नाम है उसे चेंज नहीं किया जा सकता। इसी तरीके से जो शीट का नाम है वो भी चेंज नहीं किया जा सकता। ये जो शीट का नाम है ये भी चेंज नहीं कर सकते, और इधर तो कोई टाइप कुछ होना भी नहीं है। अगर गलती से अगर हो जाए तो ये फाइल अपलोड नहीं होती है। शीट का नाम नहीं चेंज कर सकते, सेव एज नहीं कर सकते। इसी तरीके से ये जो फाइल है उसका नाम भी चेंज नहीं कर सकते। तो इस तरीके से देखो हमने फाइल को एक्सट्रैक्ट किया और बीओक्यू भी बना लिया। अब हमें ये जो टेंडर भरना है इसके अंदर देखो मेरी और भी चीजें हैं। जैसे यहाँ पर देखो टेंडर आईडी मैंने टाइप करके रखा है। अगर मैं यहाँ डबल क्लिक करूँ तो ये मेरा टेंडर डिटेल है, यहाँ पर भी मुझे आईडी मिलती है। तो यहाँ से भी कॉपी करके हम वो टेंडर को भर सकते हैं। तो मैं यहाँ डबल क्लिक करता हूँ, इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पर देखिए सर्च एक्टिव टेंडर, सर्च एक्टिव टेंडर पे एक सिंगल क्लिक
उसके बाद टेंडर आईडी, यहाँ एक क्लिक और कंट्रोल वी, उसके बाद यहाँ पर सर्च, यहाँ पर चेक बॉक्स को चेक कर लेना है और इस बटन पे एक सिंगल क्लिक, उसके बाद माय टेंडर्स। यहाँ पर बहुत सारे टेंडर दिख रहे हैं, जो अभी फेवरेट ऐड किया वो कभी भी ऊपर आता है, हम यहाँ देख सकते हैं हमारी जो आईडी है तो यहाँ पर वो ऊपर ही आती है। यहाँ पर व्यू करेंगे, उसके बाद बॉटम में आना है, प्रोसीड फॉर बिट सबमिशन, इस बटन पे एक सिंगल क्लिक, आई एग्री, नेक्स्ट नेक्स्ट। हमें पेमेंट नहीं करना है, हमें बीओक्यू अपलोड करना है, तो मैं इस पर एक सिंगल क्लिक करूंगा। यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड होते हैं और यहाँ पे बीओक्यू अपलोड होता है, तो मैं बीओक्यू अपलोड करना चाहता हूँ, इसलिए इस पर एक सिंगल क्लिक करूंगा। यहाँ पर देखो डॉट XLS, अगर आपकी एक्सेल की फाइल में अगर ये एक्सटेंशन नहीं है तो ये फाइल अपलोड नहीं होती है। अगर फाइल का नाम चेंज है तो भी ये फाइल अपलोड नहीं होगी, अगर आपने सेव एज किया है तो भी ये फाइल अपलोड नहीं होगी, और किसी दूसरे टेंडर की भी फाइल यहाँ पर अपलोड नहीं होती है। मैं इस पर सिंगल क्लिक करता हूँ, यहाँ पर क्लिक करूंगा मैं, और यहाँ पर डेस्कटॉप है, यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा, ये मेरा फोल्डर है, इस पर डबल क्लिक करूंगा, फिर उसके बाद इस पर डबल क्लिक करूंगा और यहाँ पर डबल क्लिक करूंगा। यहाँ पर नजर रखनी होती है, इस तरीके से इसकी साइज भी चेंज की जा सकती है। ये टिक आने के बाद इस पर एक इस बटन पे एक सिंगल क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर ई टोकन का पिन डालना होता है, मेरे केस में 1 से 8 है, तो मैं उसे यहाँ टाइप कर देता हूँ। लॉगिन बटन इनेबल हो गया है, लॉगिन बटन पे क्लिक कर सकते हैं या एंटर कर सकते हैं, मैं एंटर कर रहा हूं। यहां पर देखिए सक्सेसफुली का ऑप्शन आ चुका है, ओके कर सकते हैं या फिर एंटर कर सकते हैं। यहां पर इस तरीके से टिक आ जाता है, अगर आपको ये डॉक्यूमेंट अपलोड करना है तो इसी तरीके से किया जाता है। देखिए मैं इस पर एक सिंगल क्लिक करूंगा, और इसी पर क्लिक करना होता है, और आपको जो जहां पर भी आपने रखा है उसे यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ता है, जैसे कि हमने बीओके के लिए किया था, और फिर उसके बाद यहाँ पर बटन इनेबल हो जाता है, उस पर सिंगल क्लिक कर देना होता है, जिसकी वजह से ये अपलोड हो जाता है।